हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग मेरे प्यारे लाल? अरे भैया आप लोग ठीक ही होंगे हमारे सुंदर लाल सर। देखिए आज जो है H3PO3 जो क्लास 12th में 100% पूछा जाता है, H3PO3 एक प्रोटॉनिक अम्ल है कैसे, या एक द्वि प्रोटॉनिक अम्ल है कैसे, द्वि प्रोटॉनिक अम्ल ये वाला जो है कैसे है, या ये द्विभाष्मिक कैसे है, ये भी आप लोगों को पूछ लिया जाता है। 100% आप लोग क्लास 12th में पूछा जाता है। और कभी कभी इसका ऑक्सीकरण संख्या भी पूछ लिया जाता है कि फास्फोरस का इसमें क्या है ऑक्सीकरण संख्या। तो पहले मैं बॉन्डिंग में तोड़ूंगा, जिससे आप लोगों को पहले इसका व्याख्या करेंगे कैसे होता है उसका, ठीक है? तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले डिटेल कर लेते हैं। पी का एगो है तो एगो है, ठीक है? पी पर से एगो डबल बॉन्ड से OH निकाल दिए, ठीक है भैया, ओ निकाल दिए। अब बात रह गया तीन, हाइड्रोजन तीन है तो तीन गो बॉन्ड ऐसे टूटेगा, एकदम क्लियर है। अब यहाँ पर एक OH आ जाएगा, तो एक ओ यहाँ है, एक ओ यहाँ आ गया OH। अब एक और H हम लोग दे देते हैं, तो यहाँ पर एक और ओ बच गया IH, यानी कि आप लोग को इसमें OH समूह कितना आया, तो तीन दो आया, तो दो आया तो दुई प्रोटॉनिक हो गया। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंसर तो यहीं से शुरू हो गया हमारे प्यारे लाल। ए भाई बासा एकदम आप लोग को ठोक देंगे एकदम। इसका ऑक्सीकरण संख्या भी निकालना मैं सिखाऊंगा, और एक प्रोटॉनिक के बारे में बैक वाला वीडियो में डाल दिया हूं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में पूरा ऑल पार्ट करके मिल जाएगा व्याख्या वाला। ये 14वां है इससे पहले वाला। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एकदम छोटा छोटा मैं वीडियो बनाता हूं, यही वीडियो से आप लोग समझ जाइएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें OH समूह कितना है, तो दो है। तो इसमें लिखेंगे कि H3PO3 में, ठीक है मेरे भाई, ठीक है ना, ठीक है, इतना तो बात समझ गए। दो कितने हाइड्रोक्सिल समूह है, तो दो हाइड्रोक्सिल, दो हाइड्रोक्सिल समूह होने के कारण, इसमें दो हाइड्रोक्सिल समूह होने के कारण, ठीक है, H3PO3, ठीक है, द्विप्रोटॉनिक अम्ल या द्विभाष्मिक है। तो हमार प्यारे चला जी सर, भाई बात एकदम ठीक लगा कि नहीं, एकदम खपरिया में गया कि नहीं, एकदम चल गया होगा। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या इसमें से पी का पूछ लिया जाता है, तो वही मैं आप लोगों को ठोकने का काम करूंगा। अगर अच्छा लगे तो एकदम जो करना है सो कीजिए, एक लाइक तो बनता है जरूर। तो चलिए हम लोग इसका ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए H3PO3 है ना हमारे भाई बासा एकदम। तो यहाँ पर देखिए H का एगो है, तो पहले नंबर यहाँ पर ध्यान दीजिए, H पर एगो प्लस होता है, O पर दो गो माइनस होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। H पर एगो प्लस और O पर दो गो माइनस होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एच का एगो है तो तीन गो है, तीन है, ठीक है। अब प्लस इस पर कितना होता है, तो वन होता है, कितना होता है हमारे भाई, तो वन होता है एच पर। फिर प्लस का चिन्ह जैसे ही दूसरा आएगा, प्लस का चिन्ह, तो पी को हम लोग निकालना है ऑक्सीकरण, तो एक्स मान लिए। फिर प्लस का चिन्ह दूसरा आ गया, तो ओ आ गया, तो ओ कितना है, तो तीन है। अब ओ पर कितना माइनस होता है, तो दो होता है, तो दो माइनस दे दिए, और बराबर में अपना मन से जीरो बैठा देना है हमारे प्यारे लाल। अरे भैया ऐसा बैठाइएगा ना कि उठ कर भागे ना एकदम। हाँ अब ध्यान दीजिए कि इसको में इसको से गुणा कीजिएगा, तो तीन आएगा, प्लस एक्स हो गया। अब ये तीन दुना छः माइनस में आया, तो माइनस से प्लस, माइनस से छः हो जाएगा, बराबर में लड्डू शर्मा। ए भैया शर्माइए ना यहाँ। अब देखिए एक से छः में से ही गया, तो माइनस तीन ना बचेगा, बराबर जीरो। अब देखिए ए हमार प्यारा लाल, ये माइनस था इधर प्लस, तो प्लस तीन इसका ऑक्सीकरण संख्या आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग पकड़ेंगे कि कै प्रोटॉनिक है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से पकड़े, तो जैगो OH समूह तय प्रोटॉनिक, ये बात आप लोग समझ गए। ऑक्सीकरण संख्या भी मैं निकालना सिखा दिया हूँ, तो भैया आप लोग को एकदम कन्फ्यूजन एकदम क्लियर है ना एकदम। ऐसे ही कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आप लोग जरूर एक लाइक करें और शेयर करें, और अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग को जो करना है सो जरूर करें। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्तों आप लोग शेयर जरूर करेंगे, तो इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर चेक करेंगे। इतना ही पर जय हिंद जय भारत।